की बड़ी कृपा हम सब पर है कि हम लोग सत्संग और आध्यात्म से जुड़े हैं। जुआ शराब इन प्रत्येक बुराइयों से हमें बचना चाहिए। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना स्त्री, पराई स्त्री, पराया पुरुष, पर स्त्री पर पुरुष। रावण चक्कर में पड़ गया, सर्वनाश हो गया, पराई स्त्री और मांस। आप मांस तो नहीं खाते ना, मांस अंडा वगैरह, अंडा खाते हो? अंडा मांस ये सब, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, पाप है ये, अपराध है। कुछ लोग मांस खाते हैं। पूरी दुनिया में यदि पूरी दुनिया का रहस्य देखा जाए तो 95% लोग मांसाहारी है पूरी दुनिया। मैया पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? लगभग 800 करोड़, जिसमें 140-142 करोड़ तो भारत में है। ऐसे 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में 95% आबादी मांस खाती है। तो आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी जब 95% लोग मांसाहारी हैं तो फिर हम क्यों ना खाएं? भैया वो 95% लोगों के बल पर ये धरती नहीं टिकी, तुम 5% कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर ये पृथ्वी, ये धर्म टिका हुआ, और तुम भी उनके जैसे हो गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म जाएगा कहां? विदेशों में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारत में। इतनी मात्रा शाकाहार की कहीं नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं। मांस खाने वाले लोग प्रायः पाए जाते हैं। इसलिए मेरी मां आप लोग जमाना खाए तो खाए, आप क्यों खाओ? एक बात बताएं, हम लोगों को मांस की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे शरीर की पूर्ति दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल से दूध दही से ही हो जाती है। हर प्रोटीन हर विटामिन समय हमारे आहार से भोजन प्रसादी से, इसलिए हमें अंडा के प्रोटीन की जरूरत नहीं है, हम दालों से प्रोटीन ले सकते हैं। अंडा में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, हम मछली और अंडे का प्रोटीन क्यों लें? दाल में भी तो प्रोटीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, हाँ या ना? फलों में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी फल में ये पाया जाता है, किसी फल में वो चीज पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि हम प्रोटीन की कमी है शरीर में तो हम अंडा खाने लग जाएं, जरूरी नहीं है। ज्यादा दूध पियो, कैल्शियम भी बढ़ेगा, हाँ या ना? ज्यादा से ज्यादा अनार के दाने खाओ, चबा चबा के, कीवी खाओ, ज्यादा चीजें, ज्यादा शक्ति चाहिए, कीवी एक फल होता है खाओ, एप्पल सेब खाओ, संतरा खाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना अपने को। इसलिए मांस के बिना भी हम लोगों का जीवन पॉसिबल है या नहीं, संभव है या नहीं, बोलो हां या ना। फिर जब शरीर का निर्वाह हो रहा है तो क्यों हम क्यों अपने हाथ से किसी की हत्या करें? हम क्यों किसी की गर्दन काटें अपने स्वाद के लिए? क्यों मछली को तड़पाएं अपने स्वाद के लिए? क्यों हम किसी मुर्गी से उसके अंडे को, मतलब उसके बच्चे को छीने
हम क्यों हत्या अपने माथे पे रखें? हमारे ऋषि मुनि तो फल फूल खाकर जंगलों में घास पत्ता खा करके अपना गुजारा किए हैं, पेट ही तो भरना है साहब। अब बताओ, हमारे यहां तो मरे आदमी को कोई छू लेना तो नहाना पड़ता है, मुर्दे को कोई छूए तो नहाना पड़ता है, और आज का आदमी मुर्दे को खा रहा है। खाने वाले कुत्ता खा रहे हैं, चीन में कुत्ता खाया जाता है, बिल्ली खाई जाती है, सांप खाया जाता है, टिड्डे खाए जाते हैं, कछुआ खाया जाता है, मेंढक लोग खाते हैं, मेंढक का चार रखते हैं चीन में, चीटा चीटियों की चटनी खाते हैं, सांप खा जाते हैं, खाने वाले सब खा रहे हैं, पर हम भारतीय हैं, हम शिक्षित हैं,